उत्साह जोश खरोश के साथ कांग्रेसियों ने मनाया श्रीयुत कर्मवीर पर्व। आशा से ज़्यादा लोग रहे पदमधर पार्क में मौजूद, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पुत्र रहे नदारद। पिछले 18 साल से 17 सितंबर रीवा के कांग्रेसियों के लिए त्यौहार के समान होता है। यह दिन विंध्य में सफ़ेद शेर के नाम से मशहूर रहे स्वर्गीय श्री तिवारी का जन्मदिवस का दिन रहा करता था। इस साल श्री तिवारी हमारे बीच नहीं हैं। उनके न रहने पर भी श्री तिवारी का जन्मदिन डॉक्टर विवेक तिवारी की अगुवाई में ठीक उसी तरीके से मनाया गया जैसा कि उनके रहने पर मनाया जाता था। सब कुछ वैसा ही था, बस एक कमी थी, वह थी दादा की। लेकिन प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है जिसे हम आपको सबको मानना ही पड़ता है। सभा स्थल पदमधर पार्क दादा के समर्थकों से भरा रहा, वह भी यह जानते हुए कि कोई भी बड़ा नेता सभा स्थल तक नहीं आएगा, फिर चाहे दादा के पुत्र गुड़ विधायक सुंदर लाल ही क्यों न हो। यह था दादा के लिए उनके समर्थकों का प्यार उत्साह, या यूं कहें उनके नाती डॉक्टर विवेक को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर दादा के समर्थकों का समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश में थे, सारे नेता उनकी अगवानी में लगे थे, सभी के पत्र पढ़कर सभा स्थल पर सुनाए गए। चलिए चलते हैं पदमधर पार्क। जो दादा का समर्थक और दादा को चाहने वाला है उनकी यह अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा और हम सब भाई विवेक तिवारी के कंधे से कंधा मिलाकर इस वर्ष निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और उस सरकार में रीवा जिले का और हमारे सब नेताओं का एक अहम योगदान रहेगा। यह संकल्प हम इस मंच के माध्यम से लेते हैं। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, बहुत सारे हमारे साथी बोलने वाले हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, हर पिता जब मरता है तो अपनी संपत्ति और पूंजी की एक वसीयत किया करता है। वसीयत उसे की जाती है जो सेवा करता है, जो उसकी भावनाओं के साथ रहता है। श्रेयस श्रीनिवास तिवारी जी ने अपनी वसीयत लिखी है। असली वसीयत में असली बारिश डॉक्टर विवेक तिवारी बबला को बना गए हैं और उस वसीयत पर यदि कोई डाका डालने की कोशिश करता है तो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित यहां जनमानस से मैं अपील करता हूं कि विवेक तिवारी बबला के रक्षा के लिए आप लोग तैनात रहे, क्योंकि आक्रमण होना स्वाभाविक समझ में आ रहा है। स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के साथ 40-45 साल लगातार अनवरत उनकी सेवा में मैंने काम किया। मैंने उनको देखा था 10x12 के कमरे में 40 साल पहले जिस तखत पे उनको सोते हुए देखा था, जिस तारीख को उनकी मृत्यु हुई उसी 10x12 के कमरे में उसी तखत पे सोया करते हो। तो मेरे मन में पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आपने मुझे यहां क्यों रोका, ये काम करने से क्यों रोका।